मेरी स्किन इतनी फ्रेश कैसे है? आज मैंने आपको इसके बारे में बताना है। दिस रेमेडी विल मेक योर फेस ग्लो लाइक एनी अदर ब्यूटीफुल फेस इन द वर्ल्ड। अब ये जो मास्क बना है या ये जो फेस की क्रीम बनी है, ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट अ मैजिक। गर्ल्स ऑलवेज रिमेम्बर, जो भी फेस पे लगाएं वो गर्दन पर जरूर लगाएं। और स्पेशली जिन लड़के और लड़कियां, दोनों के लिए मैं ये कहूंगी, जिनकी शादी करीब आ रही है, वो तो ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरी स्किन बगैर फाउंडेशन की, मैं फाउंडेशन नहीं लगाती, मैं इसके ऊपर से ब्लश ऑन लगा लूँगी, थोड़ा सा ग्लॉस लगा लूँगी, मैं फाउंडेशन नहीं लगाती, फेस पाउडर लगा लेती, तो मेरी स्किन इतनी फ्रेश कैसे है? आज मैंने आपको इसके बारे में बताना है। और आज आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताऊंगी कि आपकी इतनी गर्मी में, इतने बुरे हालात में भी आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगी। गर्मी में आपकी स्किन के पोर्स बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं। जब पोर्स खुलते हैं तो फिर आपका पसीना उन पोर्स के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। आपको जब पसीना आता है आपके फेस के ऊपर पिंपल्स भी बनते हैं। ये जो रेमेडी है इसको आप स्क्रब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, मास्क की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। दिस रेमेडी विल मेक योर फेस ग्लो लाइक एनी अदर ब्यूटीफुल फेस इन द वर्ल्ड। अच्छा, इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं बताऊँ, उससे पहले लेट मी शो यू कि मैंने हया बाय राबी का प्रिंट पहना हुआ है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल समर कलर प्रिंट, आप इसको देख सकते हैं। और मुझे ना इस तरह के प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो अपनी स्किन भी बेहतर करें, साथ साथ अपने कपड़ों की चॉइस भी बेहतर करें। हया बाय राबी फोटो स्टेडियम में आप जाएं, वहां पर आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के, हमारे अब लॉन के वॉल्यूम्स भी आ गए हैं, दो वॉल्यूम्स हैं, एंड यू शुड हैव प्रिंट्स लाइक दैट। ओके, तो अभी हमें इसके लिए जो सामान चाहिए वो ये है, हमें लेमन चाहिए, हनी, शहद, हल्दी और दूध से उतरी हुई ताज़ा क्रीम। सर्दियों में आप ये बेशक महीने में दो दफ़ा कर लिया करें, लेकिन गर्मियों में ये जो रेमेडी है ये आपने हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर करनी है। और स्पेशली जिन लड़के और लड़कियां, दोनों के लिए मैं ये कहूँगी, जिनकी शादी करीब आ रही है, वो तो ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करें। हमारी स्किन के ऊपर गर्मियों में ना एक लेयर बन जाती है, क्योंकि हम बहुत पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, इसमें जो मिट्टी उड़ती है या जो धुआं है, ये जितने भी केमिकल्स एनवायरनमेंट में होते हैं वो हमारी स्किन पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो लेयर है इस नेचुरल रेमेडी से जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। सबसे पहले तो हम लेमन को काटेंगे, एक या दो लेमन जो है इसके लिए काफ़ी है, उसका हमें जूस चाहिए। आपने नहाने के बाद, एक और रेमेडी भी बता रही हूँ, इस लेमन को आप अपने किसी भी मग्गे में निचोड़ लें, बेशक आप शॉवर से नहा रहे हैं, मग्गे में निचोड़ने के बाद उसको पानी से डाइल्यूट करें। और जब आप नहा लें, शैम्पू कर लें, तो फिर वो जो लेमन वाला पानी है उसको अपने बालों से एक दफ़ा गुजार लें। देर इज़ नो अदर कंडीशनिंग लाइक लेमन, आई एम टेलिंग यू दैट। बहुत सारी रेमेडीज हैं, मैं आपको बताऊँ, हम कश्मीरी लोगों की तो आदत ही यही होती है, हम ना केमिकल्स पे बिलीव नहीं करती, ये क्रीमें श्रीमें और ये सारा कुछ, मैं कुछ नहीं लगाती। सो हेयर वी गॉट द लेमन जूस। अब लेमन जूस के साथ साथ हमने कहा कि हमें हल्दी चाहिए और हमें शहद चाहिए, हमें एक चम्मच, एक लीमू का रस और एक चम्मच हनी, हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब लीमू का रस और हनी हमने मिक्स कर दिया। अब इसके साथ हल्दी जब हमारे फेस के ऊपर लगती है, ये जो आप उपटन जिसकी आप बात करते हैं, बेसिकली केम कश्मीर में ये हल्दी से निकला था, हल्दी लगाया करते थे मुंह पर, जिससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ग्लो करना शुरू हो जाती है। सो विल टेक वन स्मॉल स्पून ऑफ हल्दी इन इट। ठीक है, अभी इसके अंदर है जी शहद, हल्दी और लीमू। ये देखें, अभी दूध उबला हुआ है तो इसकी जो क्रीम है आप ये देखें कि वो कितने आराम से हट रही है। इसमें हमने थोड़ी सी, तकरीबन एक बड़ा खाने का चम्मच क्रीम भी डाल दी। अब आप देखें कि ये बन गया है, अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब ये जो मास्क बना है या ये जो फेस की क्रीम बनी है, ट्रस्ट मी, दिस इज जस्ट अ मैजिक। आप इसको अपने मुंह के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद आप मुंह को वॉश करेंगे, एंड आई विल टेल यू हाउ वी डू दैट। सबसे पहले तो मैंने टॉवल इसलिए बांध दिया ताकि मेरा जो सर भी कवर रहे और मेरा जो हिजाब है वो भी ख़राब ना हो। उसके अलावा मैंने ये एप्रन बांध लिया कि पानी मेरे पर गिरे, या इसके रेजिडेंस जो है, और गर्दन पर भी हमने साथ साथ लगानी है। सो ये अपनी चूड़ियाँ और अंगूठियाँ, ये सबसे पहले हम उतारेंगे। तो सबसे पहले आपको जो अपनी स्किन के लिए ज़रूरत है वो है एक अच्छे सोप की। अब मैं वाइटल की तारीफ इसलिए नहीं करती हूँ, ना ही मैं उनसे पैसे लेती हूँ, ना ही कोई और बात है, एक भी पाकिस्तानी सोप है, सबसे बड़ी बात इट इज़ मेड इन पाकिस्तान, दूसरा हलाल है, जो इसमें जेलेटिन वगैरह जो दूसरी चीज़ें डाली होती हैं वो इसके अंदर नहीं है। और ये ब्यूटी सोप है, मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, तो
तो सबसे पहले हम अपने फेस पे, मैंने आपको बताया था कि मैंने कोई भी बेस फाउंडेशन नहीं लगाई, लेकिन मैंने थोड़ा सा फेस पाउडर लगाया है, मस्कारा लगाया है। तो हम वाइटल सोप से सबसे पहले मुंह धोएंगे। जब भी फेस धोएं, याद रखें कि साथ आपने अपनी गर्दन भी धोनी है। अब जब मैंने अपना फेस पूरा अच्छे तरीके से धो लिया है और ड्राई करने के बाद, अब मैं इसके ऊपर ये जो हमने एक अमेजा सा बनाया था, ये मैं अप्लाई करूंगी। ये आपको बिल्कुल उपटन की तरह का लगेगा, ये है भी उपटन ही, बट दिस इज अ देसी मेड उपटन। और ये इसमें केमिकल्स कोई नहीं है, प्रिजर्वेटिव कोई नहीं है। गर्ल्स ऑलवेज रिमेम्बर, जो भी फेस पे लगाएं वो गर्दन पर जरूर लगाएं, क्योंकि अक्सर लड़कियों का मैंने देखा है कि मुंह तो चमक रहा होता है, गर्दन काली होती है। दैट इज नॉट राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू वेट फॉर मे बी 20-30 मिनट्स, जब तक ये ड्राई हो जाएगा, फिर मैं मुंह आपको धोके दिखाऊंगी। 20 minutes later. अब देखिए ये ड्राई हो गया है, you can see that it is dry. अब इसको आपने अपने हाथों से स्क्रब की तरह उतारना है। उससे होगा जो आपके ब्लैक हेड्स हैं, वो भी इसके साथ उतर आएंगे। और जब आप इसको करेंगे तो आपको फील होगा, ये देखें, ये आपके हाथ चेहरे का गंध है जो इसको उतर रहा है। नाक पर आपकी ये मूवमेंट होनी चाहिए, माथे पर ये होनी चाहिए। साइडों से दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव। And from here like that, यहाँ पे बहुत ब्लैक हेड्स होते हैं। So, इसी तरह गर्दन में, ये जो भी उतर रहा है, ये आपकी ऊपर की डेड स्किन रिमूव हो रही है, जो मेरे हाथों पे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये जो ये है ना, ये सारी डेड स्किन है, ये जो है, so just remove it. इसको आपने अच्छी तरह से स्क्रब की तरह उतारना है, ड्राई करना है। जब उतार लेंगे तो फिर आपने मेरे फेवरेट वाइटल के ब्यूटी सोप से जो है वो मुंह धोना है। पहले आपने पानी से इसको उतारना है, उसके बाद साबुन लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी स्किन है, ये बगैर मेकअप के बहुत ग्लो कर रही है, और इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा, अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगी तो बहुत सॉफ्ट लगेगी। जो एक्स्ट्रा डेड सेल्स थे हमारे चेहरे के ऊपर, वो भी उतर गए हैं, एंड माय स्किन इज एज फ्रेश एज अ न्यूबॉर्न बेबी। तो मैं आपको ये कहूंगी कि बजाय कि आप इतनी महंगी महंगी क्रीम्स अपने चेहरे के ऊपर यूज करें, नॉर्मल सी रेमेडीज हैं जिससे आपके बाल, आपकी स्किन और आपका वजन। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो वेट के ऊपर है, हाउ टू स्टे स्लिम। आजकल हर बंदा जो है मोटा है, मोटा नहीं है तो पेट जरूर निकला हुआ है। तो मैं आपको पेट अंदर करने का एक बहुत मजे का नुस्खा बताऊंगी अपनी अगली वीडियो में। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर मोर कश्मीरी ब्रॉडकास्ट।